आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के विकल्प क्या हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं डॉक्टर पुष्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं हेल्थ वचन। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा दांत की संरचना के बारे में। दोस्तों, जो हमारा दांत होता है इसकी सबसे बाहर की परत इनेमल की बनी होती है। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। इसके बाद इसके अंदर की जो परत होती है उसे हम डेंटिन कहते हैं और दांत का जो कोर पार्ट होता है, सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, जिसे हम पल्प कहते हैं। इस पल्प में ही नर्व्स, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का जाल होता है। जब हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है या किसी वजह से हमारे दांत की ये पल्प एक्सपोज हो जाती है, तब रूट कैनाल की आवश्यकता पड़ती है। शुरू शुरू में जब डेंटल कैरीज हमारे दांतों की बाहरी परत पर लगती हैं तो यह दांत की सबसे बाहरी परत यानी इनेमल को ख़राब कर देती हैं। इस स्टेज में हमें किसी भी तरह के दर्द का अनुभव नहीं होता, लेकिन कैरीज को एक ब्लैक स्पॉट के रूप में आप अपने दांत की ऑक्लूजल सरफेस पर आसानी से देख सकते हैं। जैसे जैसे ये कैरीज आगे बढ़ती हैं, ये दांत की दूसरी सतह डेंटिन को ख़राब कर देती हैं। अब इस स्टेज में आपको तेज दर्द का अनुभव होना शुरू हो जाता है। आप किसी भी वजह से यदि इलाज नहीं करा पाते हैं तो इस स्टेज से आगे बढ़ते हुए कैरीज पल्प चैम्बर और फिर पल्प कैनाल में पहुंच जाती हैं। पल्प हमारे दांत का लिविंग पार्ट होता है। पल्प हमारे दांत का वो भाग होता है जिसमें नर्व्स, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इन्फेक्शन जब पल्प चैम्बर तक पहुंचता है तो हमें तेज दर्द के साथ साथ अब ठंडा गर्म लगना भी शुरू हो जाता है। और जब यह पल्प में पहुँचता है तो यह हमारे पल्प को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और फिर धीरे धीरे यह इन्फेक्शन आगे बढ़ते हुए रूट टिप तक पहुंच जाता है और वहां पर पस बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गम्स में स्वेलिंग आ जाती है और यह स्वेलिंग आपको बाहर से अपने चेहरे के ऊपर भी मालूम पड़ती है और यह स्वेलिंग बढ़ते हुए आपके चेहरे से आपके गले तक आ सकती है। दांत की इसी अवस्था को ठीक करने के लिए जो इलाज किया जाता है उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। सबसे पहले आपके दांत का एक्सरे लिया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि कैरीज की वजह से दांत को कितना नुकसान पहुंचा है, डैमेज कहां कहां हुआ है और यदि दांत के अंदर किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है तो वो भी दिखाई दे जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका दांत पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और फिर कुछ सुइयों की सहायता से, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आपके दांत के अंदर पहुंचकर इन्फेक्टेड पल्प को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से आपके दांत की जड़ों की सफाई करके उसे पूरी तरह से साफ करने के बाद, वहाँ से पस निकालने के बाद इसे सुखा दिया जाता है और इसमें दवा की ड्रेसिंग करके ऊपर से कच्ची फिलिंग करके इसे बंद करके छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद आपको दूसरी सिटिंग के लिए बुलाया जाता है। इस दूसरी सिटिंग में अच्छी बात यह है कि इस बार आपको इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके दांतों की दोबारा से सफाई की जाती है और अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसमें एक तरह का बायोकम्पेटिबल मटेरियल भरा जाता है, जड़ों को फिल किया जाता है और फिर इसके बाद दांत में ऊपर से सीमेंट भर के दांत को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स भी साथ में चलाई जाती हैं। यह डोज कितनी होगी, 3 दिन की, 5 दिन की या 7 दिन की, यह आपके दांत की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब आपके दांत को सीमेंट से फिल कर दिया जाता है, यहाँ पर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। जनरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट में 3 से 4 विजिट का समय लगता है, लेकिन यदि आपके पास
तीन से चार विजिट देने का समय नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है जिसमें आप सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह से ट्रीटमेंट कराने में आपका खर्च थोड़ा सा ज़्यादा आता है, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान सुइयों के सहारे, इंस्ट्रूमेंट के सहारे हम आपके दांतों की जड़ों तक जाकर सफाई करते हैं और दांत की जड़ों को साफ़ करते हैं, जिसकी वजह से दांत काफ़ी ब्रिटल हो जाता है, काफ़ी खोखला हो जाता है। इसकी सेफ्टी के लिए हमेशा एक कैप रिकमेंडेड की जाती है। कैप एक तरीके का खोल होता है जो कि दांत को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद हमेशा अपने दांत के ऊपर कैप ज़रूर लगवाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के विकल्प के विषय में। दोस्तों, यदि आपका दांत बुरी तरह से ख़राब है और आपके दांत में तेज़ दर्द है, आपके मुंह में भी स्वेलिंग आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, अपने दांत को नहीं बचाना चाहते हैं, तो आप इस दांत को निकलवा कर यहाँ पर नया दांत लगवा सकते हैं। किस तरह के दांत होते हैं, किस तरीके के दांत आप लगवा सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।